हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज अबाउट द नर्वस सिस्टम, सेंस सेंसरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज डेवलपमेंटल पोर्शन ऑफ द बेलोना ग्लॉसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो बेलोना ग्लॉसिस का होता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रिमिटिव होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा एपिडर्मल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एपिडर्मल नर्वस सिस्टम जो आपको सिलेंट्रेट्स में नजर आता है या इकाइनोडर्मेट्स में नजर आता है, इसी तरह का कुछ सिस्टम जो है बेलोना ग्लॉसिस में नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्लेक्सस होती हैं, नर्व फाइबर्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंट्रा एपिडर्मल टाइप ऑफ सिस्टम। थ्रेड लाइक प्रोसेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स कंट्रीब्यूट टू द नेटवर्क और नर्व नेट। न्यूरोनल नर्वस लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स की बनी होती है, जिसमें आपको बाइपोलर या मल्टीपोलर नर्व सेल्स नजर आती हैं। इसके अलावा ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये डेफिनेट स्ट्रेंज की फॉर्मेशन करते हैं, नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वन मिड डॉर्सल एंड अदर मिड वेंट्रल विच लॉन्ग अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्रंक। तो यहाँ पे आपको दो मेन नर्व कॉर्ड नजर आते हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होते हैं एक्सटेंडेड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम वेयर इट कनेक्ट विद द डॉर्सल कॉर्ड बाय द सर्कुलर स्ट्रेंड्स, और हमसे क्या कहते हैं, सर्कम सेंट्रिक नर्व रिंग। इसको हम स्ट्रक्चर में डिटेल में देखेंगे। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, आपके कॉलर रीजन तक होता है, पोस्टीरियर रीजन से लेकर के कॉलर रीजन तक प्रेजेंट रहता है, वेयर इट कनेक्टेड विद द डॉर्सल कॉर्ड बाय द सर्कुलर स्ट्रेंड के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंट्रिक नर्व रिंग कहते हैं। डॉर्सल कॉर्ड जो होते हैं वो एंटीरियर अप टू द बेस ऑफ द प्रोबोसिस तक रहता है, वेयर इट कनेक्टेड विद द अदर सर्कुलर स्ट्रैंड कॉर्ड एंटीरियर नर्व रिंग। ये आपको अभी आप डायग्राम में दिखेंगे हम। फ्रॉम द एंटीरियर नर्व रिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स आर गिवन आउट एंड दीज नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड और प्रोबोसिस। इन द कॉलर रीजन डॉर्सल कॉर्ड लीव द एपिडर्मिस एंड प्रोजेक्ट इन टू द कॉलर सीलोम और कॉलर कॉर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। साथ ही हमें क्या नजर आ रहा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है ये आपके डॉर्सल नर्व कॉर्ड से सर्कम सेंट्रिक नर्व रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड होते हैं ये एंटीरियर रीजन में सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस बनाती हैं, जो कि प्रोबोसिस में नर्व को इनर्वेट कर रही होती है। तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड हमने देखा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमने देखा, जो आपका ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है ये प्रोबोसिस के नीचे थे, प्रोबोसिस कॉलर प्रोबोसिस सेप्टम जो था वहाँ तक प्रेजेंट रहता है। कॉलर कोड जो होते हैं कंटेन ए कैविटी कॉर्ड न्यूरोसीन। तो कॉलर कोड जो है जो कि कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड का पार्ट है, ये एक्चुअल में इसको ब्रेन की तरह माना जाता था, लेकिन ये ब्रेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, नर्व सेल्स के नर्व सेल्स नहीं है या नर्व फाइबर्स यहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसको न्यूरोसील कह सकते हैं। कॉलर कोड अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मिस बट हैज द सैंग टू टेक डीपर पोजिशन। इट्स सिमिलैरिटी टू द कॉर्डर कॉर्डेड नर्व कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द नर्वस एक्टोडर्म एट द डॉर्सल मिडलाइन इट इज एविडेंट। कॉलर कॉर्ड एंड समटाइम्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डॉर्सल कॉर्ड इन द ट्रंक और नर्व रिंग कंटेन जेंट नर्व सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ईच गिव ऑफ ए सिंगल लार्ज नर्व फाइबर्स विच क्रॉसेज अदर साइड ऑफ द बॉडी रन थ्रू द सर्कम सेंट्रिक रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपको इसमें जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो है आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में बताना चाहिए, डॉर्सल नर्व कॉर्ड के बारे में बताना चाहिए, सर्कम सेंट्रिक नर्व रिंग क्या है वो बताना चाहिए, सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस ये क्या है, फैन लाइक एक्सपेंशन की बात हम कर सकते हैं, और कॉलर कॉर्ड में क्या है स्पेशली जेंट नर्व फाइबर्स के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। नंबर ऑफ जेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं इनका वेरी करता है, 10 to 160 हो सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस लीडिंग टू क्विक रिट्रैक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। अगर किसी तरह का कोई सडन अटैक होता है तो ये अपने आप को संभालते हैं, अपने आप की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन जेंट नर्व फाइबर्स की हेल्प से। ऑल्दो द कॉलर कॉर्ड इज ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इट इज मोर देन अ कंडक्शन पाथ एंड द साइट ऑफ द जेंट न्यूरोन फॉर्मेशन। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, स्लगिश एनिमल है, बरोइंग हैबिट होती है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस या सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इन द एपिडर्मिस न्यूमरस न्यूरोसेंसरी सेल्स विच आर कनेक्टेड टू द नर्व नेट ये प्रेजेंट रहते हैं। दे आर मोर न्यूमरस ऑन द प्रोबोसिस। इट इज क्लेम्ड दैट इन सम स्पीशीज अ फ्यू न्यूरोसेंसरी सेल्स फॉर्म द फोटो रिसेप्टर सेंसरी टू द लाइट। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये हमेशा क्या होता है, ये हमें देखिए एक टर्म आपने सुनी होगी सिफेलिक रीजन में कुछ
जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हमारे भी कहाँ पे हैं, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि एंटीरियर रीजन जो होता है वो फेस करता है लोकोमोशन के थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को। तो जितने भी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर में। यहाँ पे इनका एंटीरियर रीजन क्या है, प्रोबोसिस है, और एक्चुअल में प्रोबोसिस ही बरो के थ्रू बाहर निकलता है, ज़्यादा जो एक्टिविटी शो की जाती है वो प्रोबोसिस के थ्रू की जाती है। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे वो भी कहाँ पे होंगे, प्रोबोसिस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। इट इज क्लेम्ड दैट इन सम स्पीसीज अ फ्यू नेरो सेंसरी सेल्स फॉर्म द फोटोरिसेप्टर सेंसरी टू द लाइट। इसके अलावा हमने प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन को देखा था, जो कि कैसा होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, जो कि केमिकल टेस्टिंग करता है जो भी वाटर कोर्सेस में एंटर करता है। तो इस तरह से इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेलानोग्लोसस में, अगर हम कहें, ये सेक्स जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं, मेल और इंडिविजुअल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली एक्सेप्ट इन सम केसेस ऑफ द कलर ऑफ द राइपन गोनाड शो थ्रू द बॉडी वॉल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इनको बाहर से नहीं पहचान सकते, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो थी इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है, हम एक्सटर्नली जो है इनको पहचान नहीं सकते हैं। गोनाड्स अकर इन वन और मोर लॉन्गिट्यूडिनल रीजंस। अब हमने जो फर्स्ट इसका था जिसमें हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी थी, इसमें जो ट्रंक रीजन होता है ये एक्चुअली में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो जो एंटीरियर ट्रंक रीजन होता है ब्रेंकियोजेनाइटल रीजन, वहाँ पे आपको गोनाड्स नजर आते हैं। एक गोनाडल फ्लैप प्रेजेंट होता है, जेनाइटल फ्लैप या जेनाइटल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे कि गोनाड्स आप देख सकते हैं। गोनाड्स जो मेच्योर एनिमल होगा उसमें गोनाड्स डेवलप्ड होते हैं। गोनाड्स आर जनरली सेकिफॉर्म बॉडीज बट मे बी इलॉन्गेटेड और लोबुलेटेड, एंड द सेकेंडरी गोनाड मे अराइज बाय द सब डिविजन ऑफ प्राइमरी वंस थ्रू द लोबुलेशन। तो प्राइमरी गोनाड्स के लोबुलेशन से सेकेंडरी गोनाड्स का फॉर्मेशन होता है। द गोनोपोर आर जनरली लोकेटेड टू द लेटरल साइड ऑफ द गिल पोर ऑफ द सेम ब्रिंकियल ग्रूव। सेक्युलर गोनाड्स आर लाइन विद द जर्मिनल एपिथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द एक्टोडर्म। By the proliferation of the cells from the germinal epithelium, sperm or ova are produced. ठीक है, तो हमेशा ये हमें पता है स्पर्म या ओजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कंटिन्यूस माइटोटिक मियोटिक डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स का और आपके इनका स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल ओवम मेजर 0.06 मिलीमीटर इन डायमीटर अंडरगोस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके ओवम का साइज क्या है। ओवम का साइज अगर छोटा है तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो लार्वा बनता है दैट इज नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए बेलानोग्लोसिस या हेमिकॉर्डेटा में लार्वा का नाम क्या है। टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है जिसमें ओवम का साइज छोटा होता है। वेल इन द लार्जर ओवम, जैसे कि आपके सेकेग्लोसिस में क्या होता है, लार्जर होता है ओवम, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेजेस होती है वो नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी सी वाटर में होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेलानोग्लोसिस कैपेंसिस में प्रेजेंट होता है। और रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो बेलानोग्लोसिस में जो है रीजनरेशन की पावर हाई होती है। अगर इसके पोस्टीरियर रीजन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं तो एवरी पार्ट हैज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। डिटेल स्टडी ऑफ द रीजनरेशन जो है वो इनकी साइंटिस्ट ने की है, और जो पोस्टीरियर रीजन है उसमें इनकी रीजनरेशन पावर जो है वो हाई मानी जाती है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से रहता है बेलानोग्लोसिस में। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन मेच्योर ओवा एंड स्पर्म आर डिस्चार्ज इन द सराउंडिंग वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। First, the ova egg masses are discharged by the female ovum its burrow, and then sperms are discharged by the male from its burrow. ठीक है, तो पहले female अपने ova को जो male की burrow होती है उसके आसपास कहीं पानी में डालती है और फिर male sperms को liberate करता है। The number of egg discharged at a time varies from few dozen to more than a thousand. Normally, 1 to 300 eggs are shed at a time. According to available evidences, maturation starts from 4 hours before the ovulation, and the eggs is generally in the metaphase of the first meiotic division when shed. It is at this condition egg is fertilization. ठीक है, egg का fertilization जो होता है basically 6 to 7 hours of the shedding में हो जाता है। Yield a high percentage of normal development. Spermatozoa is able to enter the egg at any point after over the entire surfaces.
प्री लार्वल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो जाइगोट में फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज होता है इसमें होलोब्लास्टिक ऑलमोस्ट इक्वल एंड मोस्टली रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद में इसमें ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ब्लास्टोसील, तो ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन के बाद में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली यहाँ पे इन्वेजिनेशन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, आर्केंट्रोन ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ब्लास्टोपोर, तो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है। द ब्लास्टोपोर मार्क्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, तो ब्लास्टोपोर जो होते हैं वो पोस्टीरियर एंड बनाता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियोस्टोम्स कहते हैं, जिसमें माउथ ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है, देयर इज ग्रुप इज नोन एज प्रोटोस्टोमियम। गैस्ट्रुला एलोंगेट अलोंग द एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, नाउ द एंटीरियर टिप ऑफ द आर्केंट्रॉन इज डिफरेंशिएटेड एज द सीलोमिक वेसिकल्स कॉल्ड प्रोटोसील। यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर, दो नाम सुनाई देंगे, प्रोटोसील एंड हाइड्रोपोर। तो प्रोटोसील जो होती है ये क्या बनाती है आपका प्रोबोसिस पोर, प्रोटोसीलोम या प्रोबोसिस की सीलोम का फॉर्मेशन करती है, जबकि आपका हाइड्रोपोर जो है ये प्रोबोपोर का फॉर्मेशन करता है, प्रोबोसिस सीलोम का पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लार्वल डेवलपमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसील, द इनर एंड ऑफ द अर्ली गट मूव टूवर्ड द वेंट्रल साइड एंड ओपन टू आउटसाइड थ्रू अ माउथ। माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, एनस का फॉर्मेशन पहले होता है, ये एक बात ध्यान में रखनी है आपको। गट इज नाउ डिफरेंशिएटेड इनटू ईसोफेगस स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ओपन टू आउटसाइड थ्रू एंड एनस फॉर्म एट द प्लेस ऑफ क्लोज्ड ब्लास्टोपोर। बाय दिस टाइम एम्ब्रियो बिकम यूनिफॉर्मली सीलेटेड एंड एस्केप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू लीड अ फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज दैट इज नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। तो टॉर्नेरिया लार्वा के स्ट्रक्चर को अब हम देखने जाएंगे, वहां पे आपको क्या नजर आएगा, वहां पे आपको कंप्लीट स्टमक नजर आएगी, माउथ एनस इसोफेगस स्टमक बकल कैविटी, इसके अलावा सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सीलियरी बैंड होंगे तभी सीलियास की वजह से लोकोमोशन होते हैं, इसके अलावा आईज प्रेजेंट होती हैं। टॉर्नेरिया लार्वा वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द जे मुलर एंड वॉज कंसिडर्ड बाय हिम एज अ लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट, क्योंकि आप इकाइनोडर्मेट के जो भी लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा देख लीजिए आप, उनके स्ट्रक्चर आपको टॉर्नेरिया लार्वा जैसे नजर आते हैं, तो एक ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से हम इकाइनोडर्मेटा और बेलेनोग्लॉसस यानी हेमेकॉर्डेटा को करीब रखते हैं, ठीक है। द नेम टॉर्नेरिया इज गिवन टू इट बिकॉज इट हैबिटेट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल, एक सर्कल में इस तरह से टॉर्न करना, एक सर्कल में इस तरह से घूमने की वजह की हैबिट की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा इज यूजुअली ओवल इन शेप एंड इज एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट, इसका साइज वेरी करता है 1 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर। इट हैज अ वेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर टर्मिनल एनस एंड गट डिफरेंशिएट इनटू ईसोफेगस स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सीलिया के दो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सरकम ओरल बैंड, और जो एनस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सरकम एन्युलर बैंड, ठीक है। सरकम ओरल बैंड जो माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ये शॉर्ट होता है एंड सर्व टू कलेक्ट द फूड। हमें भी पता है कि जो वाटर करंट होती है वो कैसे होती है, रेस्पिरेटरी कम फूड वाटर करंट, यानी रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको सीलियस की जरूरत पड़ेगी। एपिकल प्लेट बियर ए पेयर ऑफ आईज और ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं, एक सीलियरी टफ्ट प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जिसे हम सीलियरी ऑर्गन या एपिकल टफ्ट भी कहते हैं, प्रोटोसील प्रोबोसिस सीलोम प्रेजेंट होता है, और जो कि बाहर की तरफ एक हाइड्रोपोर के थ्रू खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस पोर। द कॉलर एंड ट्रंक सीलोम अपीयर इन द ओल्डर लार्वा, जैसे जैसे लार्वल स्टेज आगे प्रोग्रेस करती है वहां पे इस तरह का फॉर्मेशन आपको नजर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सेल फर्टिलाइज जाइगोट है, जिससे भी आपका क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है, इक्वल डिवीजन है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल डिवीजन है, एक मोरूला का फॉर्मेशन होता, मोरूला का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे इसमें कैविटी फॉर्मेशन हुई जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं, तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, देन मूवमेंट स्टार्ट होती है, गैस्ट्रुलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन, इट इज क्लियरली सीन इन दिस पिक्चर। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर्केंट्रोन जो है वो ऑब्लिट्रेट होती है, धीरे धीरे प्रोटोसील का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोसील में आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है जी, डायग्राम जी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रोपोर नजर आ रहा है, एपिकल टफ्ट नजर आ रहा है, एपिकल थिंकमिंग नजर आ रही है, आर्केंट्रोन जो होती है ये बाहर की तरफ खुल रही है थ्रू द एनस इन द डायग्राम एच, इसके अलावा माउथ है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देन सीलियरी बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, चिलोट्रॉक और सरकम एनुअल बैंड, इसके अलावा आईज नजर आ रही है, एपिकल टफ जो होता है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है क्योंकि बाद में स्लगिश लाइफ को लीड करना है
और फिर जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं बकर डाइवर्टिकुलम की, गिलपोर की, कॉलर ट्रंक रीजन जो कि एक एडल्ट बेलनोग्लॉसस में प्रेजेंट होते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर धीरे धीरे इसमें डेवलप होना शुरू होती है। तो मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस इन द बेलनोग्लॉसस, द टॉर्नेरियल लार्वा स्विम फ्रीली, लीड अ प्लैंक्टोनिक लाइफ फीडिंग ऑन अ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, आफ्टर स्विमिंग सम टाइम द टॉर्नेरियल लार्वा सिंक टू द बॉटम एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द साइज ऑफ लार्वा इज रिड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी टू लॉस ऑफ वाटर, इसका साइज जो कम होता है उसका रीजन अभी तक जो दिया गया हुई है कि इसमें वाटर लॉस की वजह से होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, सीलियरी बैंड, सेंसरी सीलिया, आई स्पॉट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी जो ट्रांसपेरेंसी लार्वाज में प्रेजेंट होती है, जो लार्वा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर में आता है वो धीरे धीरे यहाँ से हट जाती हैं। बॉडीज होती हैं इलोंगेट होती हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। हाइड्रोपोर जो होता है वो प्रोबोसिस पोर के रूप में परसिस्टेंट रहता है। साइमल्टेनियसली बकल डाइवर्टिकुलम दिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, और भी जो कुछ मॉडिफिकेशन होने होते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ एन एडल्ट, उसके अकॉर्डिंग वो सारे इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेक एन अपीयरेंस, धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और गिल पोर का नंबर जो है जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर जो होते हैं इनके इंक्रीज होते हैं। जैसे लार्वा ग्रेजुअली चेंज इन टू द एडल्ट एंड लीड अ बेंथनिक लाइफ, तो प्लैंक्टोनिक लाइफ से बेंथनिक लाइफ में मेटामॉर्फोसिस होता है। लार्वा जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि बेलनोग्लॉसस का जो लार्वा कैसा होता है, एडल्ट कैसे है, थोड़ा स्लगिश है। तो आप इसको इन सेंस, अगर हम एक्टिविटी के सेंस में देखें तो हम कह सकते हैं दिस इज अ रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। लेकिन आप इसको टिपिकली एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डीजनरेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल आपका हर्डमानिया में शो होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेलनोग्लॉसस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड